दक्षिणी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से लगने वाले बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन सिस्टम बना हुआ है। इसके अगले 24 घंटों में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर यानी कि दक्षिणी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। इसके असर से पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मध्यम दर्जे की बारिश तो कहीं कहीं भारी बारिश रिपोर्ट हुई है। पिछले 24 घंटों में दौसा जिले के रहुआस में 101 mm बारिश हुई है, वहीं झालावाड़ में भी कहीं कहीं भारी बारिश रिपोर्ट की गई है। इस डिप्रेशन सिस्टम के असर से पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों में कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। आज भी कोटा, उदयपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने जबकि कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में 1 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। राजस्थान के कई इलाकों में मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश की जो दौर है वो कम से कम अगले 1 सप्ताह तक जारी रहने की संभावना है। खासकर इस सिस्टम का असर दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग के कुछ भागों में अगले 2-3 दिन हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 2-3 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो परिस्थिति बनी हुई है इसके अनुसार अगले 1 सप्ताह के दौरान राजस्थान के अनेक भागों में फिर से मानसून सक्रिय रहेगा, कहीं कहीं भारी बारिश के दौर भी जारी रहेगा। इसके अलावा मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली की भी संभावना बारिश के दौरान बनी रहेगी। बात करें यदि इस मानसून सीजन में बारिश की तो अब तक इस सीजन में 1 जून से आज तक 557 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है जो कि सामान्य से 50% ज्यादा है। यानी इस सीजन में अब तक औसत से डेढ़ गुना बारिश जो है वो दर्ज हो चुकी है। केवल अगस्त के महीने की बात करें तो इस सीजन में अगस्त के माह में 345 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है जो कि सामान्य से 121% ज्यादा यानी 2 गुना से ज्यादा बारिश अगस्त के महीने में पूरे राजस्थान में रिकॉर्ड हुई है। जिलावार देखें तो एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां सामान्य से नीचे बारिश हुई हो। दक्षिणी राजस्थान के जिलों में सामान्य बारिश है जबकि बाकी अधिकांश जिलों में अब नॉर्मल या एक्सेस रेनफॉल रिकॉर्ड की गई। धन्यवाद।